हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक थीम क्या था, चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। देखिए अगर हम प्रेजेंट टाइम में पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमें 118 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, यानी 118 एलिमेंट हमें दिखाई देंगे। ठीक है, विथ सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। यानी इतने सारे ज़्यादा एलिमेंट हैं हमारे पास, तो उनकी अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या अगर हम लोग बात कर लें एंथैल्पी, ये सब क्या था, बड़ा डिफ़िकल्ट था। इसे हम लोग इतने सारे एलिमेंट्स की अलग अलग स्टडी करें, बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता। टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो साइंटिस्ट ने सर्च करा, वो सॉल्यूशन क्या निकल के आया, पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट सर्च फॉर अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितनी भी नॉलेज थी उसको क्या करा, ऑर्गेनाइज करा एक, और उसको एलिमेंट को क्लासीफाई करा उन्होंने। तो ये जो थी हमारी बेसिक थीम थी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज टू क्लासिफाई एलिमेंट इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके बेसिक जो थीम रही हमारी पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने की, एलिमेंट्स को हमें ग्रुप और पीरियड में क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, जिससे उसकी अगर हम स्टडी करें तो वो स्टडी क्या हो जाए, आसान। एग्जाम्पल की तरफ देखें, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कोई पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे हेलोजन हैं 7th में, राइट, कौन कौन है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कौन है, एस्टेटाइन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटी यानी एस्टेटाइन। ठीक, तो अगर हम जनरली देखें कि हम किसी भी ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाती है। जनरली क्या होता है, किसी भी हम एक ग्रुप के अंदर जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। अभी देखिए अगर मान लीजिए पीरियोडिक टेबल नहीं होती तब हमें क्या होता, हमें अलग अलग फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, एस्टेटाइन की, इनकी सबकी हमें एटॉमिक रेडियाई अलग अलग याद होनी चाहिए थी, इनकी इतना सारा डेटा होता तब हम कंपेयर करते, तब हम एक उसका एक ऑर्डर लिखते। लेकिन पीरियोडिक टेबल के फॉर्म होने से ये आसानी हो गई कि हम किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जनरली हम लोग एक पीरियोडिक चेंज के रूप में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल को हमने ईजी बना लिया। पीरियोडिक टेबल से हम ईजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बड़ी ही स्टडी इजी हो गई। तो यही थी हमारी बेसिक थीम पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने की। साइंटिस्ट ने क्या करा, बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा ग्रुप ऑफ पीरियड में उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और फॉर्म की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, होपफुली आपको यह सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत